भारत का लोहा यहां पे आप देखिए प्रॉपर ये जो लोहा है रॉयल इनफील्ड का वो अभी भी जीवित है ढाई महीने के बाद थोड़ा सा था वो थोड़ा गायब हो गया था एक दिन के लिए हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम बिल्स इंडिया सो टुडे वी आर विद द रॉयल इनफील्ड हंटर अगर हम हंटर की बात करें तो इट इज द लाइटेस्ट मोटरसाइकिल ऑफ रॉयल इनफील्ड सेगमेंट विद एटी वन के जी अगर हम वन एटी वन के की बात करें तो यहाँ पे अगर आप नेकेड बाइक्स को देखेंगे तो आती है उसका भी जो वेट है दैट इज भीजी और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की वन एट्टी के जी की बाइक ये फर्स्ट इन एंड सेगमेंट वाली बात होगी हालांकि अगर हम क्लासिक से इसको कंपेयर करेंगे तो ये टेन के जी स्लाइटर है क्लासिक का वेट आपको वन नाइनटी टू से वन नाइनटी थ्री के जी देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको वन एट्टी के जी देखने को मिलता है तो बात जानते हैं इनके ओनर से सबसे पहले कि ये बाइक क्यों खरीदनी चाहिए इस बाइक में रॉयल इनफील्ड ने ऐसे क्या चेंजेस करें जिसको क्लासिक से इसको बिल्कुल अलग बनाती है और अगर हम प्राइस रेंज की भी बात करें तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो क्लासिक से कम से कम

क्या ये बाइक इतनी प्रैक्टिकल है जो इसको खरीदा जाए लेट्स कॉल दस मिस्टर की प्राइस की बात करो तो आपको अच्छा मतलब ये जो आपका आप देख सकते हैं ये जो बैकरेस्ट है रॉयल एनफील्ड से इंस्टॉल कराया है अगर आप रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे जाएंगे या पे देखेंगे तो ये आपको थाउजेंड एंड फिफ्टी का हजार या ग्यारह सौ रुपए में आपको यह बैकरेस देखने को मिलेगा काफी कंफर्टेबल रहता है पिलियन के लिए हालांकि इस बाइक की अगर मैं बात करूं तो पिलियन के लिए बाइक इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इसका जो व्हील बेस है क्लासिक से 20 mm शॉर्ट करा okay. गया है पिलियन क्या इसमें कंफर्टेबल बैठ जाता है नहीं लॉन्ग राइड में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होगा पिलियन राइडर को okay. शॉर्ट राइड के लिए आप बैठा सकते हैं पर कंफर्टेबल नहीं है तो पिलियन राइडर्स के लिए ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं है लेकिन आप सिटी कम्यूट करना चाहते हैं तो सिटी में नॉर्मल है ठीक है आपको ये टू लाख रुपीज की प्रॉपर ऑन रोड बाइक पड़ती है ये आपकी फर्स्ट बाइक है हाँ जी फर्स्ट मतलब आप सीधा आपने ये रॉयल इनफील्ड की एक बुलेट को खरीदा हाँ ऑल दो आप पे बुलेट सूट भी करेगी क्योंकि जो टर्बन बॉयज होते हैं वो दे जनरली प्रिफर द बुलेट सेगमेंट तो ही परचेज दिस बुलेट एंड सबसे मेन चीज आप दूर से देखोगे तो बुलेट लगती नहीं है क्योंकि इसको इतना मॉडर्न बनाया गया है

यहाँ पे कोई इंजन गार्ड देखने को नहीं मिलेगा लेकिन वो आप आफ्टर मार्केट आपकेटेसरी में लगा सकते हो हाँ, अगर आप रॉयल एनफील्ड से इसका जो इंजन गार्ड है तो वो कॉस्ट करता है आपको थ्री फोर फाइव जीरो हंड्रेड के आसपास तो मुझे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम लग रही है हाँ, जो की वन फिफ्टी एम ग्राउंड क्लियरेंस है जो की क्लासिक से ट्वेंटी एम कम है तो आपको कोई नीचे लगने का फील हुआ कभी ग्राउंड क्लियरेंस जब आप स्पीड ब्रेकर्स पे बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो उसमें अगर थोड़ी स्पीड से निकालो तो कभी टच हो जाती है और आराम से निकालेंगे तो टच नहीं होगी बड़े स्पीड ब्रेकर्स की बात कर रहा हूँ और छोटे में, में कोई दिक्कत नहीं छोटे में कोई दिक्कत नहीं है अगर बड़े स्पीड ब्रेकर्स में हमने थोड़ी सी भी 40-50 की स्पीड में निकाल दिए टच हो जाएगा हाँ, हाँ हल्की सी टच हो जाएगी आराम से निकालोगे तो नहीं होगी तो देखिए आप रॉयल इनफील्ड ने इसको डिजाइन करा है व्हील बेस को थोड़ा कम करा है इसको एक सिटी कम्यूट के लिए बेस्ट पर्टिकुलर बाइक बनाई गई है तो ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू रहेगा लेकिन स्पीड ब्रेकर पे आप अगर हल्के से निकालते हो तो वो ग्राउंड सीट हाइट भी कम करिए ग्राउंड भी क्लियर बिल्कुल सीट हाइट है। है इसकी एट हंड्रेड एम एम क्लासिक से फाइव टू टेन एम एम कम है तो सीटिंग इशू भी नहीं होता नहीं मैं शॉर्ट राइडर हूँ तो इसलिए मेरे को कम्फर्टेबल राइडिंग होती है बिल्कुल आपकी हाइट फाइव फाइव है जैसे कि आपने बताया था और आप इस पर कंफर्टेबल बैठते हो क्या एक बार आप बैठ के दिखाएंगे इस पर प्रॉपर बिल्कुल आपके जो फीट हैं बिल्कुल पूरे नीचे टच हो रहे हैं कोई भी इशू नहीं आ रहा मतलब एक फाइव फाइव हाइट राइडर के लिए भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाला इशू नहीं।, नहीं।, नहीं है कोई नहीं है मैंने क्लासिक भी चलाई थी उससे ज्यादा कंफर्टेबल लगी मेरे को और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है राइडिंग में ओके ये ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से अच्छा और अगर हम लोग इसमें चेंजेस की बात करें अगर हम कॉस्ट कटिंग की जैसे की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आप रियर फेंडर देखेंगे प्लास्टिक अगेन आप ये गार्ड देखेंगे बैटरी गार्ड जिसको कहते हैं जहाँ सारी वायरिंग होती है अगेन प्लास्टिक सेम अगर आप फ्रंट मडगार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक देखने को तो मिलेगा तो कॉस्ट कटिंग तो थोड़ी हाँ, सी करी गई है तो करी है से भी कम हुआ है। हाँ, इसको 10 से 12 केजी लाइटर करने के लिए मेटल की कॉस्ट कटिंग काफी ज्यादा रॉयल इनफील्ड ने करी जो मेटल पहले क्लासिक में यहाँ हुआ करता था या अभी होता है वो इसके अंदर अब नहीं है यहाँ पे आपको प्रॉपर फाइबर बॉडी देखने को मिलेगी लेकिन मेटल का यूज काफी लिमिटेड करा गया है इस हंटर के अंदर पर यहाँ पे आपको भारत का लोहा

उस वो यहाँ पे एलईडी दे सकते थे तो बेटर हो जाता इसमें हेलोजन है और एलईडी इंडिकेटर्स एक्सेसरीज में एक्स्ट्रा तो एलईडी इंडिकेटर्स भी आप चाहो तो फिर से अगेन थोड़े से पैसे खर्च करो रॉयल इनफील्ड से लगा सकते हो हाँ। थोड़े पैसे नहीं मैं बता दूँ एलईडी इंडिकेटर्स रॉयल इनफील्ड से अगर आप खरीदने जाते हैं तो यू हैव टू शेल आउट फोर्टी सेवन हंड्रेड रुपीज चार हजार सात सौ रुपए की आपको एलईडी इंडिकेटर्स रॉयल इनफील्ड के शोरूम में मिलने वाले हैं बिल्कुल मतलब तो भी, भी नहीं करा है। जैसे की आप बता रहे की ये काफी अनप्रोटेक्टेड सा है अगर ये गाड़ी गिरती है तो डेफिनेटली इट विल गोना सिंगल वार एक ही बार में गिरते ये ब्रेक हो सकता है हो सकता है तो वो आप आफ्टर मार्केट आराम से लगवा लो मार्केट तो आराम से लग जाएगा ठीक है अभी आप बता रहे थे कि एक इंसिडेंट की आपका यहाँ पे जो क्लच लेवर था वो टूट गया था कैसे क्या एक्चुअली डिसबैलेंस की वजह से थोड़ी बाइक नीचे गिर गई थी तो सारा वेट जो है क्लच पे आ गया था तो टूट गया था वो एक ही बार में

ढाई महीने के बाद दो ढाई महीने के बाद थोड़ा सा डिस्प्ले तो था वो थोड़ा गायब हो गया था एक दिन के लिए फिर आ, मैं गया था एजेंसी में तो उन्होंने कहा कि आपका वारंटी में है तो एक्सचेंज हो जाएगा फिर एक उन्होंने मंडे को कॉल करा था मेरे को मंडे को मैं गया तब संडे को ही ये फिर अपने आप सही हो गया था ये उसके बाद फिर कभी ख़राब नहीं हुआ बड़ी ताज्जुक वाली बात है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है दो महीने के अंदर ही कुछ टाइम के लिए वो एकदम से गायब हो गया हालांकि आप मुझे बता रहे थे कि गायब नहीं हुआ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो थी, वो विजिबल नहीं हो रही थी कुछ शो, होने लगी थी, कुछ शो नहीं हो रही थी कुछ के लिए और थोड़े बाद ठीक भी हो गया लेकिन हालांकि अच्छा कभी उसके बाद से नहीं हुआ वो एक ही बार आपने फेस किया ठीक है उसके बाद से इशू नहीं हुआ तो थैंक गॉड कि उसके बाद इश्यूज नहीं हुआ नहीं तो इस पूरे कॉन्सोल को शायद चेंज कराना पड़ता आपको एक और अच्छी चीज यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको हेजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है तो जैसे आप इस लीवर को इस तरफ को पुल कर रखा है तो आप देख सकते हो चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन है जैसे आपको हिमालयन के अंदर देखने को मिलता है तो ये काफी अच्छी चीज है कि यहाँ पे हेजार्ड लाइट का ऑप्शन दिया गया है आप इसको यूज करते हो हालांकि अभी नहीं अभी विंटर्स आ आपको आगे वेदर कुछ में नहीं बाद दिखता बाद तो आपको लाइट चाहिए अपनी चाहिए था इसके अंदर आ गया ट्रिप मीटर सब कुछ डिजिटल है आपका फ्यूल गॉज भी इसके अंदर डिजिटल है यहाँ पे आपको हेजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है तो ये अच्छी चीज है इसमें की गेयर शिफ्टिंग इंडिकेशन भी मीटर में है पहले नहीं आता था ज्यादा थोड़ा

प्रॉपर जो फ्यूल टैंक है वहां पे भी आपको वाइब्रेशन महसूस होगा इसके अंदर वाइब्रेशन को काफी हद तक कंट्रोल करा गया हंटर के अंदर फ्यूल टैंक की बात करें अगेन 13 लीटर का फ्यूल टैंक है जो आपको क्लासिक के अंदर सेम देखने को मिलता है फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटली सेम है एक बार इसकी एग्जॉस्ट साउंड को सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है मुझे क्लासिक के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा लगा एक तो वो जो लंबी सी चोच होती थी ना वो जो रॉयल एनफील्ड के सारे के अंदर अंदर सारे साइलेंसर देखने को मिलती थी अब ये साइलेंसर इतना ज्यादा शॉर्ट हो चुका है जैसे आपको एक नेकेड बाइक्स में देखने को मिलता है सिर्फ शॉर्ट्स आपका जो एग्जॉस्ट है प्रॉपर वो भी इसको अपलिफ्ट करा गया ये नहीं है बिल्कुल एक फ्लैट हॉरिजोंटल देखने को मिलेगा इसको अपलिफ्ट करा गया वर्टिकल डायरेक्शन में और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट साउंड है वो क्लासिक के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी है वो एक थम्प जो आप कह रहे थे हाँ, ज्यादा है, है तो वो मुझे काफी अच्छा लगा और नो डाउट ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और साइलेंसर पे ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग करी गई है साइलेंसर पे प्रॉपर यहाँ पे आपको ये देखिए आप प्रॉपर मेटल यूज करा गया है यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर ये जो लोहा है रॉयल एनफील्ड का वो अभी भी जीवित है साइलेंसर पे इन्होंने प्रॉपर ऊपर ये तो जनरली आप बाइक्स के साइलेंसर देखते हो ऊपर ये जो कवर होता है वो आपका प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक फाइबर का बना होता है लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी हार्ड प्लास्टिक फाइबर नहीं है इंजन अगेन ब्लैक में ज्यादा अच्छा लग रहा है इस तो अगर इसको क्रोम देते तो वो रॉयल इनफील्ड पुराना वाला वापिस आ जाता रेट्रो वाला लेकिन इसको मेट्रो बनाया है ना ये जो मॉडर्न बनाया है वहां पे इस ब्लैक कलर की इंजन पे बहुत ज्यादा जरूरत थी जो कि करी और नो डाउट देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है टेलीस्कोपिक फोक्स आपको दिए हैं फोर्टी वन mm एम के टेलीस्कोपिक फोक्स हैं कैसा लगता आपको इसका ब्रेकिंग ये सारी बहुत अच्छा है आपको तो और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है तो कभी आपसे स्किट हुई बाइक नहीं स्किट कभी नहीं। स्किट कभी, नहीं। स्किट कभी नहीं। मतलब ब्रेकिंग आपको कॉन्फिडेंट फील करा बहुत अच्छी चीज है कि डुबल चैनल एबीएस इसके अंदर प्रोवाइड करा गया हालांकि टायर साइज की बात करूं यहाँ पे आपको 110, 19, 17 इंच का टायर दिया गया रियर में आपको 140, माइंड यू 140 सेक्शन का टायर क्योंकि आपको करा गया। तो आपको 140 सेक्शन का टायर मिलेगा लेकिन रियर टायर 17 इंच का है। वहीं क्लासिक में आपको रियर टायर 18 इंच का दिया जाता है फ्रंट नाइनटीन इंच का यहां दोनों टायर सेवनटीन इंच के हैं लेकिन विथ पे काम करा गया जिसकी वजह से गाड़ी स्कीट नहीं होगी सिटी में कम्यूट करते समय आपकी जो ग्रिपिंग है वो जो रोड से गाड़ी बिल्कुल फ्लैट होकर जो चलेगी आपको एक एजिलिटी महसूस होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस फील कराएगी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा गाड़ी हिल रही है या आपको मोनोवर करते समय आपको स्कीट करने का डर लग रहा है वो चीज इसके अंदर नहीं है फ्रंट में आपको थ्री हंड्रेड एमएम का डिस्क है रियर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टू सेवेंटी एम का डिस्क दिया गया लेकिन दोनों ही डुअल चैनल एबीएस ऑप्शन के साथ आते हैं पीछे की बात करें रियर फेंडर रियर फेंडर पे भी काफी इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं ये आपका प्रॉपर फाइबर जैसे ही डिस्कस करा था बाकी सब राउंड शेप में इन्होंने सारी टेल लाइट्स दी है टेल लाइट्स इंडिकेटर्स प्रॉपर इन्होंने राउंड शेप को यूज करा है जो इसको कई हद तक मॉडर्न बनाने की कोशिश करता है हालांकि मॉडर्न बाइक है भी अगर आप इस कलर की बात करें तो इसमें आपके बहुत सारे और कलर ऑप्शन भी थे डुअल टोन में एक इसका रेड और ब्लैक था तो आपने वो क्यों नहीं चूज किया मेरे को यही पसंद आया ब्लू कलर एक्चुअली पसंद है मेरे को तो और जब मैं गया था शोरूम तो ये वहाँ पे खड़ी खड़ी हुई थी तो सामने देख के ज्यादा पता चल जाता है तो मैंने इसी को फाइनल करा फिर डबल ब्लू <laughs> ब्लू समय मैं पहना पहनाऊ तो ये गाड़ी मुझे लग रहा है मैं इसको उठा के ले जाऊ मेरे पे ज्यादा सूट करेगी ठीक है ब्लू कलर देखने में बिल्कुल एक यूनिक कलर है और ये जो रॉयल इनफील्ड जो इनग्रेव करा गया है ये प्रॉपर इनग्रेव नहीं है जैसे जनरली बाइक्स में पहले आता था वो प्लास्टिक से प्रॉपर इनग्रेव करा जाता था पूरे मेटल टैंक पे ऐसा नहीं है आपकी प्रॉपर उन्होंने स्टिकर्स को यूज करा है ये जो रॉयल इनफील्ड की ग्रेविंग दी है हालांकि अगर आप डेपर सीरीज इसके लेते हैं जिसकी एक्शो रूम इससे कम है वहां पे आपको इतना बड़ा ये रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ नहीं दिखेगा वहां पे आपको सिल्वर एश ऑप्शन एक ग्रे कलर है एक है, एक है पर्टिकुलर आपका शायद सिल्वर कलर देखने को मिलेगा और ये जो हाँ आपका प्रॉपर रेबल सीरीज है इसमें दो ही कलर आते हैं एक कलर आप ये देख रहे हैं डुअल टोन में ब्लू एंड व्हाइट और दूसरा ब्लैक एंड रेड इसका एक शोरूम प्राइस फाइव थाउजेंड रुपीज ज्यादा है जनरली लोगों को पता होना चाहिए आपने कभी वीडियोस में देखा होगा जब ये रॉयल इनफील्ड को लॉन्च करा गया था तो मीटर के पास एक आपको ट्रिप नेविगेशन छोटा सा कॉन्सोल दिया गया था यहाँ पे जो काफी वीडियो में में लोगों लोगों ने ने देखा और बाद में लोगों ने पूछा भी कि इसको क्या गायब कर दिया नहीं माइंड यू वो चीज गायब नहीं करी गई जीपीएस नेविगेशन सिस्टम वो एक्सेसरीज वो का पार्ट है बिल्कुल सर ने ठीक कहा वो एक्सेसरीज का पार्ट है आप चाहो तो अगर आप टूरिंग करते हो बाइक से आप ट्रेवलिंग पे जाते हो आपको नेविगेशन की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे आप एक और छोटा मिनी कॉन्सोल

मैंने ग्यारह सौ अस्सी किलोमीटर चलाया ग्यारह सौ अस्सी कुछ सर्विस अभी तक हुई हाँ, फर्स्ट सर्विस हो गई फाइव हंड्रेड किलोमीटर पे फाइव हंड्रेड फ्री हुई होगी मेरे हिसाब से नहीं फ्री नहीं हुई थी चार्ज अच्छा फर्स्ट सर्विस पे आपने पंद्रह सौ रुपए हंड्रेड किलोमीटर पे जी सौ रूपये में कंपनी ने आपको ऐसा क्या दिया किस बात के पंद्रह सौ रूपये चार्जेज सर्विस किट चेंज करी थी ऑयल फिल्टर एंड इंजन ऑयल डाला था नया और कंपनी में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आया आपका जो ये खराब हुआ था उसमें भी कोई आपके चार्जेस नहीं गए वो वारंटी के अंदर ही कवर्ड हो गया

इतना 40 तक ये आ जाए हालांकि कुछ नहीं। लोगों ने व्यूअर्स दिखाते हैं पे कि 40 के भी माइलेज क्लासिक से निकाला है 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 36 तो करती 36 है। तो कंपनी कंपनी क्लेम क्लेम करती करती दो तीन हम एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है वन ट्वेंटी के आसपास लेकिन राइडर्स ने इससे वन थर्टी वन थर्टी फाइव भी निकाली है अगेन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू राइड द बाइक एक्चुअली आप थोड़ा सा लीन होकर चलाएंगे जैसे आप एक स्पोर्टी बाइक को चलाते हैं ये गाड़ी थोड़ा सा और तेज चल सकती है और 135 स्पीड निकाल देगी हालांकि जो एक बेस्ट स्पीड इसकी जो है दैट इज 100 किलोमीटर यू वोट फील एनी वाइब्रेशन यू वोट फील एनी हिटिंग इशू यू वोट फील कि मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आप इसको हंड्रेड किलोमीटर पे कितना भी लॉन्ग स्टेच तक ड्राइव करते हो उसके ऊपर चीजें बिगड़ेंगी और वो रॉयल एनफील्ड के साथ कॉमन है और देखने को मिलती है तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ड्रीम विल्स इंडिया